खरगोन जिले में तहसील सिगांव की ग्राम डालकी के ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उचित कार्यवाही की मांग की। हम आपको बता दें कि पेयजल समस्या को लेकर शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 3,60,000 रुपए की राशि प्राप्त करके सरपंच सचिव ने पैसों की बंदरबांट कर ली, जबकि काम अधूरा पड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने मनरेगा और अन्य निर्माण कार्यों में भी भ्रष्टाचार की जांच करने का बताया। ऐसे में ग्रामीणों ने लामबंद होकर मोर्चा खोला और मामले में उच्च स्तरीय जांच करके वैधानिक कार्यवाही की बात कही। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। डालकी से आए हम ग्राम पंचायत, और ये जो 14 लाख का रोड स्वीकृत हुआ तो उसने 1 लाख का काम किया और बाकी 10 लाख रुपये निकाल के खा गए उसमें से। और एक 3,60,000 का कुआ था पेयजल के लिए, उसने भी 10 फीट तो हम गाँव वालों ने खोद के दिया और उसके बाद 10 फीट उन्होंने खोदा और 3,60,000 निकाल के वो भी खा गए। 10 फीट आपने जो खोदा उसका कुछ मानदेय वगैरह दिया आपको? नहीं, किसी भी नहीं दिया। धार्मिक करके दिया हम लोगों ने गांव की तरफ से कि भाई पैसे नहीं निकलते जल्दी तो हम लोग आपको फ्री में करके देते। आपके गांव में मनरेगा में देखा गया काम भी हुए और पैसा भी नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा ना सर। ये फिर किससे काम होता है? ये बस ये भ्रष्टाचार सर, ये रोजगार गारंटी में किसी के खाते में पैसे निकाल के निकाल लो डाल। काम किससे करते हैं? ये मशीनों से सर। एक 14 लाख की सड़क का भी आप शिकायत लेके आए क्या आप लोग? सर ग्राम पंचायत डालकी से आया हूँ। क्या समस्या आ रही? ग्राम पंचायत डालकी की मुख्य समस्या ये है कि पेयजल की राशि हमारे ग्राम डालकी में 3.5 लाख रुपए आ चुकी थी, जिसमें 20 फीट कुआ खुदा है, बाकी सारी राशि खा चुके हैं ये लोग। कौन खा चुके हैं? मंत्री सरपंच लोग। और क्या समस्या है इसके? दूसरी समस्या है ग्राम पंचायत डालकी से नवाड़ फलिया का रोड था 14 लाख का, जिसमें पुण्य काम नहीं हो चुका है। उसकी राशि 14 लाख थी, उसमें कोई काम नहीं हुआ है, ये भी राशि खा चुके हैं लोग। आपको कैसा मालूम पड़ा कि राशि खा चुके हैं? सर हमारे मटर पे सर हमारे पास कागज है। जी हाँ। आप उनसे मिले थे कभी सरपंच सचिव? जी हाँ। क्या बोल रहे हो? मना कर रहे हैं। कहीं भी जाके शिकायत कर दो। तुम्हारा जो बने वो कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राकेश सोलंकी। कहाँ से आए? डालकी से आए हैं। और कुएं की समस्या है, वो मतलब 20 फीट कुआ खोदा है उन्होंने, उसके बाद में पेमेंट पूरा निकाल के खाते में 3,10,000 रुपये और काम अधूरा पड़ा कुएं का। कब स्वीकृत कब हुआ था ये? स्वीकृत हुआ था 2017 में। कभी समस्या आ रही क्या पानी पीने? पानी की समस्या आ रही है ना, पानी बहुत समस्या। आज तक कुआ पूरा नहीं कर रहा कुछ भी नहीं, पैसे निकाल के सरपंच मंत्री खा गए। उसके क्या बोलते हैं आप लोगों को? वो बोलते हैं तुम कहीं भी जाओ शिकायत करते जाओ, कर दो, हमारा कहीं नहीं होगा तुम्हारा। जो क्या घोटाला करा इन्होंने? वो सब घोटाला कर उसके बाद डालके से नवाड़ का रोड है, रोड 14 लाख रुपए का था, उसमें आज तक मतलब काम हुआ है 1 से 1.5 लाख का काम हुआ है और पैसे निकाल के खा गए। क्या चाहते हैं आप? काम पूरा करो, हम तो ये चाहते हैं ना काम पूरा करके दो, कोई दिक्कत नहीं। काम नहीं पूरा हो रहा नहीं, वो बोल सरपंच मंत्री बोलते तुम्हारा जो बने वो कर लो। क्या नाम है आपका? रविंद्र मालविया। कहाँ से है? डालकी से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।